सर नमस्कार, मैं पंकज कुमार, HBN न्यूज चैनल अलीगढ़ में आपका स्वागत है। ये देखिए हमारे यहाँ अलीगढ़ में एक भजन कीर्तन काफ़ी ज़ोरदार से सभी लोग मौजूद हैं और हमारी पुरानी ऐतिहासिक परंपरा चली आ रही है अब तक और काफ़ी ज़ोरदार से कीर्तन हो रहा है। और देखिए यहाँ बजरंगबली और यहाँ पे ये जी देखिए भगवान श्री कृष्ण, राधा पार्वती और देखिए ये गणेश भगवान जी हमारे यहाँ मूर्ति स्थापित हैं। और यहाँ अलीगढ़ में काफ़ी शानदार मंदिर जो है, हमारे यहाँ जो है सारे लोग अच्छी तरह की जैसे भजन कीर्तन हमारे अलीगढ़ में हो रहा है और काफ़ी मगन और प्रसन्न होकर जो है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ तालियां बजाते हुए जो भजन कीर्तन कर रहे हैं। और सर ये इधर भजन कीर्तन हो रहा है। नमस्कार, मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज चैनल। इस समय हम अलीगढ़ की पावन धरती पर मौजूद हैं। यहाँ आज भी प्राचीन इतिहास का वो हिंदू धर्म आज भी देखने के लिए मिलता है। लोगों में हिंदू धर्म की आस्था आज भी लगातार जागृत है। इस समय हम एक देवी जागरण में मौजूद हैं। हमारे साथ एक सर जुड़ गए हैं, लगातार हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरीके से आज हिंदू धर्म की जो आस्था है वो लगातार आज भी इनके हृदय में लगातार जागृत है। सर, जो हिंदू धर्म की आस्था है आज, जो प्राचीन इतिहास की है, आज भी इस तरीके से आपके हृदय में आज भी जागृत है, लोगों के दिलों में इस तरीके से जागृत है, किस नज़रिए से देखते हैं आप उसको? बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं हम उसको, और वो आपको खुद भी दिखाई दे रहा होगा कि अगर हिंदू धर्म नहीं होता तो कुछ नहीं होता। इतने पानी में भी यहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। चिपक, वो कह रहा है कि हिंदू धर्म आज भी उनके हृदय में है, मौसम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन सर एक बात बताइए कि हिंदू धर्म में अभी जिस तरीके से आप यहाँ जो सुंदरकांड करा रहे हैं वो किस उपलब्ध में करा रहे हैं, किस पक्षा में करा रहे हैं? आज मंदिर का जन्म उत्सव है। इस मंदिर का नाम श्री विश्वनाथ महादेव एवं मारुति मंदिर है, टीकाराम स्कूल के सामने। इस मंदिर का आज वार्षिक उत्सव है, इसलिए इस पर सुंदरकांड का पाठ रखा गया। कार्यक्रम बहुत बड़ा होता पर पानी ने, इंद्रदेव ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मौसम की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें घड़ी हुई हैं, लेकिन वरना बहुत ऊपर तक होता। सर एक बात बताइए कि अभी आगे अभी और भी आएगा, लगातार आता रहता है। सर अगले बार जब होगा तो किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा हमें? अगले और इससे हाई लेवल में मिलेगा आपको। हिंदू बिल्कुल दिखेगा कि आप जागरूक हो गए पूरे तरीके से। अभी भैया कह रहे हैं कि वो लगातार आपको देखने के लिए मिलेगा कि हिंदू धर्म किस तरीके से जागृत है, हिंदू धर्म अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है। इसी के साथ मैं राजकुमार रवि के साथ HBN न्यूज चैनल।